बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। टुडे इज़ 16 जून एंड द डे इज़ ट्यूसडे। योर सब्जेक्ट इज़ केमिस्ट्री एंड आई एम किरण शरीफ। दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। योर टुडेज टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम इसका आज एक ही पार्ट पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हम सारे कर लेंगे आज। What is the importance of equilibrium constant? Equilibrium constant बेटा आप लोग डेफिनेशन आपके ने कल पढ़ी, इसकी मैंने आपको जो ना प्रीवियस सेक्शन में करवाई क्या होती है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये ज़रूरी है। नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या केसी, और केसी को जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। कह रहे हैं कि अगर हमें केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू मीन के 10, 20, 30, 50, 100, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन की अगर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्ट। डायरेक्शन मीन कि उसकी सिम्ट बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स जाएगा, या फिर अब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुकी है, या फिर एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है उसकी हम हद बताएंगे कितना रिएक्शन जो है ना वो किस हद तक जो है ना रिएक्शन जाएगा, स्पीडअप कितना होगा, स्लोज डाउन कितना होगा, या कम्प्लीट होगा या नहीं कम्प्लीट, इसके एक्सटेंट भी हम बताएंगे, ठीक है। और प्रिडिक्ट का मतलब होता है पेशगोई करना, ठीक है, हम इसको जो है ना बता देंगे। फर्स्ट वन है प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको बहुत अच्छे से अपने जो है ध्यान से समझना है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, पर्टिकुलर मोमेंट मीन किसी भी लम्हे, ठीक है, कैन बी प्रिडिक्टेड बाय इंसर्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। इंसर्टिंग का मतलब है कि हमने उसमें पुट कर देनी वैल्यूज, ठीक है। कंसिडर द गैशियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन, बेटा ये एक रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, रिवर्सिबल रिएक्शन टू हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें इसकी केसी की वैल्यू क्या है, 57 एट 700 डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ये रिएक्शन उसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसमें है क्या कि हमने इसकी जो ना वो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है इस केसी की वैल्यू की हेल्प से। कैसे करेंगे, वी विदड्रॉ का मतलब होता है टेक आउट करना, लेना, ठीक है, द सैंपल्स फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। सपोज हम जो है ना वो मतलब एक शरबत बना रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोगों ने वाटर लिया, इसमें शुगर ऐड की है, अब शुगर जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं अभी आधी हुई है आधी नहीं हुई, हम इसमें से कोई सैंपल ले लेते हैं, था तो रिएक्शन मिक्सचर ना, ठीक है। इस तरह से करें कि जो H2 और I2 है, ठीक है, जब ये रिएक्शन मिक्सचर होता है इसमें हम एक सैंपल लेंगे, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ भी जाएगी, पता है ना आपको, रिएक्शन चलता रहता है, रिएक्शन गोज ऑन, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता रिवर्स रिएक्शन में, ठीक है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, सैंपल लेंगे और क्या करेंगे, एंड डिटरमिन द कंसंट्रेशंस, जिस वक्त हम लोगों ने जिस लम्हे हम लोगों ने बेटा उसकी जो ना वो सैंपल लिए, तब हम उसकी कंसंट्रेशन जो ना डिटर्मिन करेंगे किस किस की, H2 की, I2 की और HI की, और फिर हम सपोज करेंगे, सपोज कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन क्या क्या है, हाइड्रोजन की 0.1, I2 की 0.2 और HI की 0.4 मोल पर DMQ। यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन मतलब ब्रैकेट ये जो ब्रैकेट्स हैं जिनको मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं, इसके बाहर स्मॉल टी लिखा हुआ है, इस स्मॉल टी को मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्क्राइब करती हूँ। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि मतलब हम लोगों ने एक रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से सैंपल लिया और सैंपल की में से हम लोगों ने कंसंट्रेशन फाइंड आउट की जो कि सपोज वैल्यू हुई है हमारे पास, ठीक है। ये जो सबस्क्रिप्ट टी है इसका मतलब है कि विद द कंसंट्रेशन सिम्बल्स, कंसंट्रेशन सिम्बल मीन कि वो जो ब्रैकेट्स हैं ना वो कंसंट्रेशन का सिम्बल है, ठीक है। द सबस्क्रिप्ट टी विद द कंसंट्रेशन सिम्बल मतलब जो टी है वो ब्रैकेट्स के साथ, मींस उसका मतलब ये है दैट द कंसंट्रेशंस आर मेजर्ड एट सम टाइम, कि कंसंट्रेशन हमने किसी भी टाइम पे जो ना वो हम लोगों ने मेजर की है, नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम, ज़रूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम आने के बाद हमने कंसंट्रेशन मेजर करनी है, कंसंट्रेशन हम किसी भी टाइम पे मेजर कर लेनी है, पढ़ा ना हमने स्टार्टिंग नहीं, पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर मोमेंट, किसी भी लम्हे, ठीक है। When we put these concentration into equilibrium constant expression, पीछे रिएक्शन पढ़ा ना अपने H2, I2 और 2HI, कह रहे कि जब हम लोग ये जो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास concentrations की, इनको हम equilibrium constant expression में पुट करेंगे, वी obtained a value, हमें एक और वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन क्या कहेंगे हम इसको, रिएक्शन क्वेश्चन, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, QC से। द रिएक्शन कोशेंट फॉर दिस रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एज, मतलब ये हम लोगों ने वो उसकी एक्सप्रेशन राइट किया, उसमें वैल्यू पुट की और हमारे पास वैल्यू आई 8।
एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्यू सी, क्यू सी की वैल्यू आई है 8, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, क्यू सी की 8 है। के सी की कितनी थी, 57। कह रहे हैं कि क्यू सी इज़ लेस देन के सी जो कि 57 है, डायरेक्शन इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब कि डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे कब होगा, जब क्यू सी और के सी की वैल्यू इक्वल होंगी, ठीक है। इट रिक्वायर्स मोर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि इसको अभी जो है वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनने हैं, ज़्यादा क्या है इसमें रिएक्टेंट्स है, कंसनट्रेशन जो प्रोडक्ट की क्या है कम है, देयरफॉर डायरेक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब है कि अभी रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स कंबाइन करके ही प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तो आपको पता ना अगर रिएक्टेंट्स जब होते हैं तो किस तरफ मूव करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। होप सो आपको समझ आ गई होगी बेटा इसमें, मतलब सिंपली हम कैसे डायरेक्शन जो है ना रिएक्शन की फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए के सी की वैल्यू क्या है किसी भी रिएक्शन की, ठीक है, फिर उसके अंदर हमने जो ना वो अगर हम लोग जो उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो किसी भी लम्हे उसमें से कोई सैंपल लें, सैंपल में से भी जो जो उसमें सब्सटेंसेस होंगे, मतलब हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन है, आयोडीन है और एच आई है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, ये इसके सब्सटेंसेस हैं, इसलिए हम लोगों ने क्या की कंसंट्रेशन फाइंड आउट की। कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट किया, हमारे पास एक और वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहते हैं क्यू सी, फिर अब हम लोगों ने कंपेरिजन करना है क्यू सी और के सी का, अगर तो इक्वल है तो मतलब हमारे पास इक्विलिब्रियम आ चुके हैं, अगर कम या ज़्यादा तो फिर हम कंडीशन आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो इस टॉपिक का वो यही है, यही आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिएक्शन क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज़ यूजफुल बिकॉज वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ क्यू सी विद के सी, ये यूज़फुल है, हम किसको मतलब ये मान ली क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम इसे डायरेक्शन जो है ना वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं रिएक्शन की, कैसे बता सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ क्यू सी विद के सी, मतलब के सी की वैल्यू क्यू सी कंपेयर कर देना। कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ जनरलाइजेशन जो कि हम पढ़ेंगे, देयर आर फॉलोइंग जनरलाइजेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। डायरेक्शन बार बार बता रही हूँ बेटा कि फॉरवर्ड, रिवर्स या फिर इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये चीज़ है। नंबर वन पे कंडीशन क्या है, इफ़ क्यू सी जो ना वो कहने के स्मॉलर देन के सी, ठीक है, क्यू सी इज स्मॉलर देन के सी, स्मॉलर का साइन है, तब क्या होगा, डायरेक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट राइट, डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट राइट होगा। नीचे डायग्राम में आप लोगों को डायरेक्शन दिखाई दे रही है बेटा, एरो हेड जो ना वो के सी की डायरेक्शन है, लेफ्ट राइट मूव कर रही है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर मतलब क्यू सी स्मॉलर है के सी से तो डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मतलब लेफ्ट राइट होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। सेकेंड क्या है कि अगर इफ़ क्यू सी लार्जर देन के सी, अगर के सी लार्जर है, क्यू सी लार्जर के सी, डायग्राम से देख लें जो बड़े बॉल्स हैं वो मतलब बता रहे हैं कि ये इसमें इसी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, डायरेक्शन गोज राइट टू लेफ्ट, मतलब रिवर्स आ रहा है, इन रिवर्स डायरेक्शन टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर क्यू सी जो ना वो लार्जर है के सी से तो डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा, डायरेक्शन होगा। इफ़ क्यू सी इज इक्वल टू के सी, मतलब इक्वल है, फॉरवर्ड और रिवर्स एक्शन जो है ना वो टेक प्लेस एट इक्वल रेट्स, तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अटेंड, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुकी है, जिसमें क्यू सी और के सी जो है ना वो इक्वल है। अब देखिए इक्विलिब्रियम स्टेट नीचे लिखा हुआ है इसके अंदर, एरो हेड्स के अंदर, ठीक है। होप्स को समझ आ गई होगी बेटा, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि हाउ कैन यू हाउ यू कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, तो इसका आंसर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लिखा हो, वो भी आप लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, तीन कंडीशंस 1, 2, 3, ठीक है, के डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम लोग ये ऊपर आपने लिखना है, ठीक है, कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं रिएक्शन कंपैरिजन द वैल्यू ऑफ द क्यू सी विद के सी। टेस्ट योरसेल्फ 9.3 बेटा, इसमें से इस टॉपिक से रिलेटेड तीन क्वेश्चन हैं आपके, और जो दो क्वेश्चन हैं वो हम जो पार्ट मैंने आपको आज नहीं पढ़ाया वो इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगी, उसके साथ से रिलेटेड हैं, ठीक है, इसलिए जो ना वो ये मैंने क्वेश्चन करवा दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 2, वाई द रिवर्सिबल एक्शंस डू नॉट गो टू कम्प्लीशन, मतलब रिवर्सिबल एक्शंस कम्प्लीट क्यों नहीं होते, उसके रीज़न आपको मैंने पहले भी बताई हुई है, हमने पहले भी क्वेश्चन किए हुए, ठीक है, बिकॉज प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन, कि प्रोडक्ट रिकम्बाइन कर जाता है, रिकम्बाइन री मीन दोबारा, कम्बाइन मीन मिल जाता है। देखिए रिएक्टेंट्स से मिलकर प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट दोबारा मिलकर क्या बना रहा है, रिएक्टेंट बना रहा है, ये सिलसिला चलता रहता है, तो रिएक्शन कैसे कम्प्लीट हो सकता है, टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, मतलब प्रोडक्ट दोबारा मिलकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, एंड रिएक्शन अक्कर इन बोथ डायरेक्शन, रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड और रिवर्स में, रिएक्शन हैविंग स्मॉल, एक तो ये रीज़न है, दूसरी रिएक्शन हैविंग स्मॉल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है,
ऑफ केसी रिप्रेजेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, उसे हमें पता चलता है कि इक्विलिब्रियम अटेन हो चुकी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से अब रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स ही रहेगा, कंप्लीट कभी भी नहीं होगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, फोर्थ वन क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन डू नॉट गो टू कम्प्लीशन, इसका आंसर तो आप आंखें बंद करके बता सकते हैं कि ऊपर हम बता रहे हैं कि रिवर्स रिएक्शन कम्प्लीट क्यों नहीं होते, या नीचे क्वेश्चन किया कि कौन किस टाइप के रिएक्शन कम्प्लीट नहीं होते, ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कम्प्लीशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई द रिएक्शन मिक्सचर डजंट हैव 50% रिएक्टेंट्स एंड 50% प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजिशन। अब ये क्वेश्चन तो ऐसे वाले समझे मतलब ट्रिकी है कि जो ना वो रिएक्शन जो है ना उसमें 50% रिएक्टेंट्स और 50% प्रोडक्ट क्यों नहीं होते इक्विलिब्रियम पे जाके, मतलब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम बैलेंस हो चुका है, तो आपके जहन में आ रहा होगा कि आधे प्रोडक्ट हैं तो आधे रिएक्टेंट्स हैं, ऐसा नहीं होता, जितने हमने मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स के लिए वो उतनी ही रहेगी एंड तक, ठीक है। देखें बिकॉज प्रोडक्ट रिकम्बाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं टू अटेन इक्विलिब्रियम, वेयर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, ठीक है। जितने रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे उतने ही प्रोडक्ट दोबारा से ब्रेक डाउन होकर क्या कर देंगे, रिएक्टेंट्स बना देंगे, और सिलसिला चलता रहेगा। और ये कभी भी नहीं होगा कि अगर हम लोगों ने जो ना 40% रिएक्टेंट्स थे और 60% प्रोडक्ट थे तो अब वो मतलब इक्विलिब्रियम आने के बाद 50-50% हो गए। उसके रीज़न ये है कि प्रोडक्ट बार बार रिकम्बाइन कर रहे हैं और रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, और जो ना वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं उनकी अमाउंट सेम है और रिएक्शन प्रोसीड एट इक्वल रेट, इक्वल स्पीड पे मूव करता रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब कब स्पीड कम हो गई है या अब स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो गई है, अगर तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बेटा उसको कंडीशंस में होंगी जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की जो ना कह लें कंसंट्रेशन या फिर जो ना अमाउंट 50-50% नहीं होती। नोट आपके लिए क्वेश्चन 1 और 3 जो ना आर नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो वी विल सॉल्व देम इन द नेक्स्ट वन लेक्चर इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 10, ये इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए मैंने इनको करवा दिए, क्योंकि बार बार फिर जो ना वो आप जो ना वो ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, मैं आपको ये लास्ट 4 क्वेश्चन जो करवा रही पहले आपको करवा चुकी हूँ, ये होप्स हो कि आप इनके नोट्स बना रहे होंगे। हाउ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड, कि हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप ये सिर्फ 3 लाइन्स भी लिख सकती हैं, आप इन 3 लाइन के साथ वो जो स्लाइड थी ना कंडीशन वाली वो भी लिख सकती हैं अच्छे जो ना वो आंसर के लिए, वरना ये भी ठीक है। डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर हमें जो ना वो केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू पता है तो हम डायरेक्शन बता सकते हैं सिंपली। एंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कंपेयरिंग विद इट विद रिएक्शन क्वेश्चन, और उसको हम रिएक्शन क्वेश्चन से कंपेयर करना है, मतलब पहले हमें रिएक्शन की डायरेक्शन बताने के लिए केसी की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर उस केसी की वैल्यू को हमें कंपेयर करना है क्यू सी से, तो हम बता सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड रिवर्स या फिर इक्विलिब्रियम पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ कैन यू नो दैट अ रिएक्शन हैज़ अचीव्ड एन इक्विलिब्रियम स्टेट, कहते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक रिएक्शन जो है ना इक्विलिब्रियम स्टेट पहुँच चुका है, ठीक है, कहते हैं कि इफ़ आंसर है इफ़ द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रिवर्स रिएक्शन, कह रहा है कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, ठीक है, जैसे क्यू सी इज इक्वल टू के सी, सच रिएक्शंस हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक तो ये रीज़न है कि क्यू सी की वैल्यू के सी के इक्वल हो जाएगी, दूसरी रीज़न क्या है, अनदर इंडिकेशन इज फ्री एनर्जी चेंज इज ज़ीरो। अब फ्री एनर्जी चेंज बेटा आप लोग के पूरे चैप्टर में नहीं इसका जिक्र, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ फ्री एनर्जी चेंज क्या होती है। फ्री एनर्जी चेंज जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट में जब कन्वेयन होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं फ्री एनर्जी चेंज। अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो है तो उसका मतलब कि इक्विलिब्रियम जो है ना वो अटेन हो चुकी हुई है, ठीक है, कब, जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं फ्री एनर्जी चेंज। अगर वो ज़ीरो है तो मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ना वो अटेन हो चुकी है। होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इस क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन दैट इस्टेब्लिशेस इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस, कहता है कि किसी रिएक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है कि इसमें से जो ना इक्विलिब्रियम स्टेट जो ना अटेन हो चुकी है। फर्स्ट वन, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि रिएक्शन जो ना वो रिवर्सिबल होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन इक्वल होंगे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम रहेगी, इट कैन बी डिस्टर्ब एंड अचीव अगेन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। मेरे ख्याल से ये वही कंडीशंस हैं, ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अपने माइक्रोस्कोपिक पड़ी हुई हैं, ठीक है, समझ आ गई।
क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ रिएक्शन कोशेंट मतलब क्यू सी एफ रिएक्शन इज मोर देन के सी, वट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सिंपली वो कहना चाह रहा है अगर क्यू सी लार्जर है के सी से, ठीक है, तो डायरेक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, अभी अपने पढ़ी है वो रिवर्स होगी। कैसे? इफ़ रिएक्शन क्वेश्चन क्यू सी इज लार्जर देन क्यू सी, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, द रिएक्शन विल गो फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। और राइट टू लेफ्ट कौन से होते हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, ये फिगर्स आप बना देंगे तो बस पूरा हो जाएगा आंसर। यस, लास्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन, एन इंडस्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड बेस्ड अपॉन अ रिवर्सिबल एक्शन। पहले क्वेश्चन को समझना है अपने, एन इंडस्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड बेस्ड अपॉन अ रिवर्सिबल एक्शन। कहते हैं कि एक इंडस्ट्री जो है ना वो इस्टेब्लिश हुई, तमीर की गई, और वो किस चीज़ पर बेस करी थी, रिवर्सिबल एक्शन पर, मतलब उसमें अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे थे वो रिवर्सिबल थे। इट फेल्ड टू अचीव प्रोडक्ट, कहते हैं कि वो फेल थी, नाकाम थी किस पे, कि प्रोडक्ट्स हासिल करने में ऑन कमर्शियल लेवल। कमर्शियल लेवल मीन कि हम लोग कोई एक चीज़ ऐसी बनाते हैं जिसको हम लोग जो ना वो सेल कर सके बाहर बड़ी बड़ी मार्केट्स में, या फिर कह लें कि सिर्फ ये नहीं कि अपने घरेलू ज़रूरत के लिए हम उसको बनाएं, मतलब हम चीज़ बनाएं और उसको भी नेक्स्ट फर्दर सेल करें, उसको बोलते हैं कमर्शियल लेवल। ठीक है, कह रहे कि वो इंडस्ट्री जो थी ना वो रिवर्स प्रोडक्शन पर बेस करती थी, लेकिन वो प्रोडक्ट बनाने में फेल थी कमर्शियल लेवल पे। ठीक है, प्रोडक्ट बनता था लेकिन कमर्शियल लेवल पे नहीं बनता था। कैन यू पॉइंट आउट द बेसिक रीजंस ऑफ इट्स फेलियर बीइंग अ केमिस्ट, कहता है कि क्या आप रीजंस बता सकते हो इसकी कि क्यों ये नाकाम थी। फर्स्ट वन इसकी रीज़न है बेटा, रिएक्शन इज रिवर्सिबल, खुद ही वो बता रहा है कि रिएक्शन रिवर्सिबल देता था वो। ठीक है, सो प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट कैसे आएंगे जब बार बार वो रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं और डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रही है। ठीक है, इस तरह से सेकंड कंडीशन क्या है, रिएक्शन कंडीशन लाइक टेम्परेचर प्रेशर एंड कैटलिस्ट आर नॉट सेटिस्फाई, वो भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रियम पे हम उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, दोबारा अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से वो इंडस्ट्री फेल थी कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्ट्स देने के लिए। ठीक है, इसी डायरी वर्क चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 12-13 हाफ करना है बेटा, इंक्लूडिंग टेस्ट योर सेल्फ 9.3 है, और इसमें एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना अपने नीट रजिस्टर पे काइंडली राइट कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चन वो सेव रहें, और आपने बहुत अच्छे से करने हैं ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने आज आपको करवाया है। ठीक है, एक पार्ट है, सेकंड पार्ट इंशाल्लाह हम कल करेंगे, और ये इसी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस है। इस पूरे चैप्टर में मैं ऐसे बार बार जो बात हो रही है ना वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हो रही है, रिवर्सिबल एक्शंस की हो रही है, उनकी प्रॉपर्टीज की हो रही है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़ क्लास।